Hello friends, welcome to Tasty Khana. Please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. It will notify you on every new recipe. So stay updated. Hello friends, आज हम बना रहे हैं होममेड पनीर. होममेड पनीर हम सभी जानते हैं कि स्टोर्स में मिलने वाले पनीर से काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस, टेस्टी और सॉफ्ट होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 लीटर दूध और आधे लेमन का जूस. आप चाहे तो लेमन जूस की जगह विनेगर भी यूज कर सकते हैं. अब हम सबसे पहले दूध को बॉईल कर लेंगे. आप देख सकते हैं कि दूध में अब बबल्स आने लगे हैं और हमारा दूध उबलने लगा है, तो हम गैस बंद कर देते हैं. अब हम इसमें नींबू का रस डालकर कंटिन्यूअसली इसे चलाते रहेंगे. हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें दूध को एकदम धीमे हाथों से चलाना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा विगरसली चलाएंगे तो दूध में जो बड़े बड़े लम्स बन रहे हैं वो टूट जाएंगे और पनीर हमारा अच्छा गाढ़ा नहीं बन पाएगा. तो अब आप देख सकते हैं कि दूध फटना शुरू हो गया है. दूध से पूरा पानी अलग हो जाने तक हम इसे यूं ही चलाते रहेंगे. अब दूध से सारा पानी अलग हो चुका है, तो अब हम इसे छान लेते हैं. छानने के लिए मैंने यहाँ एक छलनी ली है. छलनी के ऊपर इस तरीके से हम एक पतला कपड़ा डालेंगे. अगर आपके पास मसलिन क्लॉथ है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं. अब हम इसे छान लेंगे. थोड़ा ठंडा पानी इस पे डालकर इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर लेंगे और अब कपड़े को चारों तरफ से उठाकर हम इसमें से सारा पानी निचोड़ कर निकाल लेंगे. सारा पानी अच्छे से निचोड़ लेने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट इसी तरीके से रख देंगे. आप चाहे तो इसे हैंग करके भी रख सकते हैं ताकि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पानी हमने छलनी से छान कर अलग किया है, इसे आपको फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इस पानी को वे बोलते हैं और इस वे में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है और ये तो हम सभी को पता है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को बिल्ड और रिपेयर करता है. तो ये मिल गया हमें प्रोटीन और वो भी नेचुरल फॉर्म में. तो आप इसे आटा गूंदने में या फिर सब्जियों को पकाने में यूज़ कर सकते हैं. तो अब हमारा पनीर ड्राई हो चुका है. इसे एक बार फिर से इस तरीके से प्रेस करते हुए बाकी का भी मॉइस्चर इसमें से रिमूव कर लेंगे. तो अब पनीर पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है और अब मैंने यहाँ एक राउंड बर्तन लिया है और मैं ये पनीर कपड़े के साथ ही इसमें शिफ्ट कर दूंगी ताकि इसे एक अच्छा राउंड शेप मिल जाए. इसके अंदर डालने के बाद हम पनीर को इवनली सभी जगह पे स्प्रेड कर लेंगे. अब इस कपड़े को फोल्ड करके पनीर को मिनिमम 2 घंटे के लिए हम रेफ्रिजरेट करेंगे. 2 घंटे हो चुके हैं और अब हमारा पनीर निकाल लेते हैं. ये देखिए हमारा सॉफ्ट और राउंड पनीर अब तैयार है. आप भी इसे बना के देखिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड फॉर रेसिपीज इन इंग्लिश यू कैन विजिट माई वेबसाइट. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.